गणपति बप्पा मोरिया, ओम साई राम, जय माँ काली, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सो हाउज योर डे ऑल। सो आज सोमवार है, सावन का पहले, सबसे पहले सबको हैप्पी सावन और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, मैं उन्हीं का मैसेज पढ़ सकती हूँ जिनके नाम प्रॉपर है, बिकॉज बहुत से लोगों के नाम ऐसे अप एंड डाउन होते हैं ना कि आई एम सॉरी, थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सो आज शुरुआत करते हैं टी वी तनीषा सिंह। आज की शाम बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत ही स्पेशल है। आज जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने बहुत लोग को सजाया है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों से लेके, डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को खूबसूरत किया है, उसके साथ साथ बच्चों का भी दिल बहुत बहलाया है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या बच्चों के डॉक्टर है? जी नहीं दोस्तों, आज वो जो हमारे मेहमान है, इट्स अ वेरी सुपरस्टार। सुपरस्टार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को खुश करना, उन्हें हंसाना और उनके लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम बड़ों को तो टैकल कर लेते हैं, बच्चों को टैकल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने यही एक काम किया है, उन्होंने इतना प्यारा काम किया है कि पूरे देश भर के बच्चों को इतना खुशी दी है कि आज भी उनके नाम से वो सीरीज़ चलती है। जस्ट इमेजिन, मैं कौन से सीरीज़ की बात कर रही हूँ, मैं सीरीज़ की बात कर रही हूँ यस, मोटू पतलू, यस। हमारे जो आज के मेहमान है वो बहुत ही खास है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अब मैं इतने सारे लिस्ट कैसे खोलूं आपके सामने, उन्होंने हॉलीवुड से लेके, बॉलीवुड से लेके, पंजाब से लेके, हर जगह अपने जलवे फैलाए हैं। वाह वाह, उन्होंने हर देश देश में, अपना हिंदुस्तान हो या जहाँ भी हो, हर जगह जलवा फैलाया है और उनके जलवों से बहुत सारे आर्टिस्ट चमक गए। और जैसे कि मैंने कहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बच्चे जो होते हैं मन के बहुत सच्चे होते हैं और उनको खुश करना इतना आसान नहीं होता है। तो हियर वी गो, लेट मी कॉल मिस्टर हरविंदर जी, ही इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड कार्टूनिस्ट। तो यहाँ मैं बुलाती हूँ और ये बहुत बहुत फख्र की बात है कि आज हमारे साथ इतने प्यारे, इतने होनहार डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, ही इज अ ऑलराउंडर। तो हियर वी कॉल, लेट मी कॉल अरविंदर जी। अरविंदर मनकार, मन से हाजिर हो। सो टिक 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 टिक, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। अब आई डोंट नो, हाय, नमस्कार 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 नमस्कार। आपके लिए देखिए मैं चाय का कप लेके स्पेशल बना। पहली बात तो आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत है टी विद तनीषा सिंह में, प्रेजेंटेड बाय डीएस बॉलीवुड चैनल में, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में, एंड वी आर वेरी लकी हैव यू ऑन बोर्ड। इतने क्रिएटिव लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, पर आप उनमें बहुत ही खास हो। आपने इतने बड़े बड़े सर, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तो ठीक है, आपने बच्चों तक को इतना एंटरटेन किया है, तो ये हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही फख्र की बात है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आई गेस रेंज, कोई बात नहीं, रेंज आता जाता है, हम बट हम टिटे हैं, पकड़े हैं यहाँ पे प्रोग्राम को, हम प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे चालू रहेगा। सो हाँ सर जी, अरुण डी जी थोड़ा आ जाइए प्लीज। थैंक यू डीजे सानी फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत एक्चुअली वेदर का ना बहुत ज्यादा इश्यू है ना,
आई डू अंडरस्टैंड वेदर का इशू की वजह से काफी चीजें डिस्टर्बेंस है और बहुत अप एंड डाउन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपका वेलकम करती हूँ रेंज के साथ, फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ, तह दिल से आपका वेलकम है, आपका सुस्वागतम है टी विद तनिषा सिंह में, प्रेजेंटेड बाय डीएसए बॉलीवुड चैनल, सपोर्टेड बाय द पिकारी पैशन फॉर फैशन में। सर मैं आज एक गाना सुन रहा था जी, कि शायद मुझसे बातचीत का ख्याल तनिषा को आया है इसीलिए मुझे आज उसने चाय को बुलाया है। सर आप तो डिजर्व करते हो चाय, क्या कॉफी डिनर के लिए। इतने क्रिएटिव लोग आए यहाँ पे और आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव इसलिए हो क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया। बच्चों को एंटरटेन करना इतना आसान नहीं होता है और आपने इतना फेमस जो आपका कार्टून है मोटू पतलू, ओ माय गॉड, स्टिल इट्स सो अमेजिंग। आज भी बच्चे बिना उसके आगे स्कूल नहीं जाते हैं। जी जी जी, सबसे मुश्किल काम है लेकिन ये सबसे नेक काम भी है। आप दुनिया के जितनी मर्जी सेवा कर लें, जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन अगर आप एक बच्चे को मुस्कान दे जाएं तो उससे बड़ा नेक काम नहीं हो सकता। मैं आपको छोटा सा इंटरप्ट करूंगी हरविंदर जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। मेरी बेटी है, आपको पता है 6 साल की है और वो आई है स्पेशली आपके लिए बिकॉज शी इज ऑल्सो वॉचिंग और उसने कहा योर स्टार। तो सोचो बच्चे इतना, मतलब यू नो बहुत बड़ी बात है। तो हरविंदर जी हम इस ट्रैक पे जरूर आएंगे पर हम चाहेंगे कि आज आप हमारे प्रोग्राम पे आए। पहली बात तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपने हमारे इतना वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हम जानना चाहते हैं कि प्लीज आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने जो अपना लाइफ का करियर का शुरुआत किया है कैसे किया, तो प्लीज थोड़ा सा हमारे दोस्तों को हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो प्लीज। मैं 12 साल का था जब मैंने सबसे पहला कार्टून्स बनाया मोटू पतलू और भी जो कार्टून्स, जो पॉकेट कार्टून्स, तब से लेके वो सफर जो शुरू हुआ है जी। क्योंकि अब एक पेशेंस था मैंने उससे, जो छोटा था तो मैं कोयले से पटरी के ऊपर दीवार के ऊपर आड़ी तिरछी काली रेखाएं खींचता रहता था। वही आड़ी तिरछी काली रेखाएं कब सपना बनी, कब हकीकत बनी, कब उन्होंने मोटू पतलू और शेख चिल्ली और नीटू और अलग अलग किरदारों का जन्म दिया ये मुझे नहीं पता। ये सिर्फ एक ऊपर की ताकत है, वो ईश्वर है, वो मुर्शिद है। क्योंकि जब वो आपके ऊपर ग्रेस रखता है, वो जब आपके ऊपर हाथ रखता है तो आपका हर पासा जो है वो सीधा ही पड़ता है। जी जी नहीं, सही कहा, क्योंकि ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन होती है। पर आपने जैसे अभी बताया कि आपने 12 साल में आपने स्टार्ट किया, मतलब आपको पहले से ही आपको मतलब था कि आपको यही फील्ड में आना है, यही जर्नी है आपकी, आपको पहले नहीं अगर मैं खुद बच्चा था जब मैंने शुरू किया तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है कि बच्चों को पसंद क्या आता है जी। और वो जब आप खुद उसी उम्र में होते हो तो आपको पता है कि मुझे कैसे कार्टून्स तो एक शौक था, मुझे नहीं मालूम था ये चीज बन जाएगी। होता यह है कि आप काम को शुरू करते हैं, आप अपनी मंजिल पे सिर्फ पहला कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे दूसरा कदम अपने आप पीछे आता जाता है। सही बात है। करते करते काम करते रहिए करते रहिए करते रहिए और एक दिन वो इतिहास बन जाता है। Exactly. वो आप अपनी लगन पे रहिए, आप अपने टारगेट पे रहिए, फोकस सीधा रखिए और मंजिल को अगर आपने पाना है तो एक बड़ा मेरा शेर है कि पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिला। वाओ अमेजिंग, सही बात है आपने। बचपन से वो चलता रहा और उसके बाद अगर मैं मोटू पतलू की ड्राइंग की बात कर रहा जी, तो स्कूलों की किताबें थी, कॉमिक्स की अगर था उन दिनों में जब मैं छोटा था तो करीब करते करते 20 से 22 हजार किताबें इलस्ट्रेट की जो बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, पर उस समय तो हमें ऐसे वर्क कर रहे थे। फिर मुझे हॉलीवुड की फिल्म मिली समसारा, जो सबसे पहले वेन नलिन डायरेक्टर थे वो, उन्होंने उसमें शुरुआत को मेरी एज ए ड्राइंग के लिए स्टोरी बोर्ड के लिए बुलाया गया था। लद्दाख में शूट हुई थी, -25 तापमान हुआ था तो वो की। फिर मैंने वर्ल्ड टेल की, फिर मैंने डी कोड 7 की बाहर की,
अपनी एशियन टेल्स की सिंगापुर की। फिर टीवी पे शुरू हुआ, उस समय प्राइवेट टीवी की एंट्री हुई थी नई नई, दूरदर्शन पे बहुत बहुत सीरियल लिखे जयपुर दूरदर्शन के लिए और ना जाने कितने के लिए। फिर प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो मेरा जो एटीएन टीवी हुआ करता था, बाद में आज का जो स्टार वन या स्टार गोल्ड कुछ का नाम बदल के हो गया। अच्छा, वहां से टीवी का सफर शुरू हुआ, फिल्मों का सफर शुरू हुआ। आजकल पिछले कुछ साल से आप जानते हैं अच्छी तरह, आपने मेरे साथ देखा कि शोज में लाइव शोज अवार्ड शोज को ही मैं लाइव को ज्यादा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, आप रिटेक नहीं होता उसके अंदर। रामोजी फिल्म सिटी में पिछले 10 साल से हम लोग बहुत बड़ा हर साल करते हैं, इस साल कोरोना की वजह से बाई चांस वो मिस हुआ, वरना रेगुलर चल रहा। तो बस ये चीजें ये है कि आपके अंदर कोई क्षमता जो भी होती है आपको करते रहना चाहिए। सही बात, आपको सिर्फ काम पे फोकस देना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ सिर्फ काम करो, आप काम करो वही रिकॉर्ड बन जाएगा, वही रिकॉर्ड बन जाएगा, वही आपका अवार्ड। तो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था करियर का, आपने जो करियर स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट, जो आपने इंडिपेंडेंट अपने डायरेक्टर, आपने सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया या राइटर किया, पहले ये बताइए। राइट राइट, तो सबसे पहला, सबसे पहला मेरा था पावर बैंक इन्वर्टर एक थे, तो हमने स्मृति रानी के साथ किया था, तो मैं राइटर था उसका, उस स्क्रिप्ट मेरी थी। हमने बॉम्बे में आपके जहां देश में निकला होगा मैग्नम स्टूडियो के अंदर हम जी, वो मेरा पहला मुंबई का प्रोजेक्ट। उसके बाद मुंबई ने मुझे ऐसा पकड़ा वापस आगे। तो अभी आप जितना भी अभी आप काम कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप इंटरनेशनल कर रहे हो, क्योंकि आपने पंजाबी में भी बहुत किया है, आपने पंजाबी में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। मोटू पतलू की शुरुआत कैसे हुई ये मैं जानना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही फेमस कार्टून है मोटू पतलू, इसकी शुरुआत कैसे शुरुआत हुई। मैं आपको बताया मैं 12 साल का था और उस समय बाहर के कॉमिक आया करते थे, फैंटम, मैंड्रे, इंडियन कार्टून्स नहीं होते, बारबी और भी ये सारी चीजें ये सब। हाँ, और एक आबिद सुरती जी हैं, उन्होंने तब बहादुर बनाया था इंद्रजाल कॉमिक्स के अंदर, इंडियन प्योर इंडियन कैरेक्टर जो बेला हुआ करती थी। अच्छा। तो हमें हमने सोचा कि वो करेक्टर बनाए जो अपने आस पास का लगे, कम से कम लोग ये ना कहें यार ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कोई सुपरमैन जो कुछ भी करते हैं तो वो हो नहीं सकता, तो आसपास कौन मिलते हैं आजकल, या तो मेरे जैसे मोटे लोग मिलते हैं या किसी मैं तो वो एक नेचुरल सा रंग था जो मोटू पतलू की शक्लें डेवलप होती गई होती गई होती गई। और आप सोचें 40 साल और कम से कम 7 से 8 हजार उसके कॉमिक बनाना, एक एक एकमात्र आर्टिस्ट का वो बस बस एक ही करने वाला वो है। सही बात, उसने वो क्षमता बख्शी, उसने वो हिम्मत बख्शी, उसने वो लगन बख्शी, क्योंकि मेरा ये ना मैंने धंधा नहीं था, मेरा पैशन था। और जब पैशन प्रोफेशन बनता है उससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं होता, कोई कुछ नहीं। सही बात है, ट्रू ट्रू, एकदम ट्रू। वही है, आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, आपने इतने सारे आपने अवार्ड्स, आपके लिस्ट इतनी लंबी अवार्ड्स की, तो थोड़ा सा हम अवार्ड्स की भी डिटेल जानना चाहेंगे, क्योंकि चलो मैं तो जानती हूँ, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, तो आपके जो जो अवार्ड है, जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, हर एक आर्टिस्ट को, या डायरेक्टर हो या राइटर हो, उसको हर अवार्ड उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही प्रिय होता है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, ये मैं मानती हूँ। बट एक कोई तो ऐसा होता ना कि स्पेशली जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा फक्र होता है कि ये अवार्ड मुझे मिला, तो वैसा कौन सा आपका अवार्ड था और कौन कौन सा था जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड हुआ और यू फील कि आई एम ग्लैड आई गॉट दिस? सभी, असल में अवार्ड तो आपके हर काम को एक एक जरिया होता है आपको उसका रिगार्ड देने का या धन्यवाद देने का, मगर एक है जो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिला था और उन्होंने अपने हाथ से दिया, क्योंकि मैंने उनकी जीवनी को एक पूरी बुक में, राज पाकेट बुक की बुक थी, रामेश्वरम से रायसीना रोड राष्ट्रपति भवन, तो उनका पूरा जो सफर था वो एक पूरी हमने इलस्ट्रेट की थी, तो वो खूबसूरत लम्हा था, क्योंकि ऐसी शक्ति थे, ऐसे लोह पुरुष, ऐसे इंसान के हाथ से और उसके साथ खड़ा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वो एक बस बहुत बहुत बड़ा लम्हा था। वरना अवार्ड्स तो ठीक है आप काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आपको तनिषा जी आप काम करिए अवार्ड मिलेंगे, अवार्ड के लिए काम करोगे तो ना अवार्ड मिलेगा ना।
सही बात है, एक अच्छी चीज है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सम्मान इज सम्मान। कोई कुछ जी बहुत तो मुश्किल है कोई आपको सम्मान देता है आज के युग में, ये जो आयरन एज चल रही है, आयरन एज में तो लोग स्वार्थी हैं, अपने आप से सिर्फ सोचते हैं, किसी की सोचते नहीं है। लेकिन जितना मैंने आपको जाना है, मैंने जितना आपको समझता हूँ, बहुत कम लोग हैं आप जैसे जो किसी के लिए वक्त निकालते हैं, बहुत मुश्किल है। वरना आप अपने घर बैठ के आपके भी 100 काम हो सकते हैं, 100 प्रोफेशन है, आप बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे आपने शोज मैंने देखा है आप करते हो, उसके बावजूद अगर आप हम जैसे लोगों को नाचीज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको बुलाते हैं और समय देते हैं, तो सैल्यूट तो आप जैसे लोगों को है जो सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो बॉलीवुड और टॉलीवुड में रह गई, आप तो हॉलीवुड में पहुंच गए, मेरे में आप में बहुत फर्क है। लेकिन तनिषा आप देते हो, जो हाथ देने के लिए उठता है उससे बड़ा कोई सजदा नहीं होता, उससे बड़ी कोई मंदिर मस्जिद नहीं। आई एम सो टच अरविंदर जी, हमें लेना नहीं आता है, देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, हमें लेना नहीं आता। और अगर हम विनम्रता से ले जाएं आप जैसे लोगों से सम्मान, तो आप एक तरह से ये पूजा हो रही है, एक सत्संग हो रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग अगर मेरे सामने है तो मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ। सो स्वीट अरविंद जी, आपने बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड में जब आपने शुरुआत की एज अ राइटर, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट कुछ मामलों में वहां की में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, जैसे आप पंजाबी करते हैं, आप बॉलीवुड करते हैं, बिकॉज ये हमारी मातृभाषा है, हिंदी बच्चे बच्चों को आती, तो आपको उसमें, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट तो किया नहीं हॉलीवुड में, मेरे ख्याल से आपने कितने किए होंगे, आपने कितने, मैंने काफी किए, 10-12 किए, 10-12, तो आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं होती होगी, बिकॉज सीन लिखना इतना मामूली नहीं होता है। हम किसी को टेस्ट मैसेज भेजते हैं तो उसमें अप एंड डाउन ग्रामर हो जाता है, चल जाता है, बंदा समझ जाता है, पर आप पूरी की पूरी हॉलीवुड सीरीज लिख रहे हो, आप मूवी लिख रहे हो, तो आप कैसे करते होंगे सर? नहीं, मैं देखो सबसे पहले तो मैं असूलन हिंदी में लिखता हूँ, प्रॉपर हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि तो मुझे समझ में ज्यादा आती है, मेरे देश की भाषा है और उसमें मैं रसा बैठा हूँ। फिर हमारी टीम बैठती है, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने विचारों को, ताकि वो सिर्फ ट्रांसलेट ना हो जाए, वो भाव नहीं मरना चाहिए। ट्रांसलेशन तो बड़ी आसान है, किसी भी चीज को आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर दो, नहीं, लेकिन वो फिर उसमें फिर मैं इनपुट देता हूँ और लोग जो बैठते हैं साथ में, तो भाषा ये टीम वर्क है, कोई भी काम है। अगर मोटू पतलू भी आज अगर इतना है तो उसमें माया, केतन मेहता जी, ये सब लोगों का बहुत हाथ है, ये सब साथ है हमारी टीम में पूरी, क्योंकि उनके स्टूडियो में मोटू पतलू तो हरविंदर जी हिंदी है, पर आपने हॉलीवुड में किया, और हॉलीवुड में ऐसा नहीं कि आपने कोई एक आध ऐसा छोटा मोटा सीन लिख दिया, आपने पूरी की पूरी फिल्म की। तो मैंने जो संतारा थी उसको 30 अवार्ड मिले थे, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थी, और मैं अकेला इंडियन था उसके। तो वही तो मैंने कहा, सबसे पहले तो ये फक्र की बहुत बड़ी प्राउड की बात है, एज ए इंडियन आप इंग्लिश मूवी लिख रहे हो और इतने फीलिंग के साथ, तो पहले तो आपको तो थोड़ा बहुत तो आपको डिस्टर्ब, आई मीन थोड़ा तो प्रॉब्लम तो होती होगी ना, ऑल ऑफ सडन। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो काम मुझे नहीं आता, जो काम मुझे आता है वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन जो काम मुझे नहीं आता वो मैं जरूर करता हूँ। वाओ, इससे सीखने को मिलता है, जो मैं आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं जब से पहले जो एनिमेशन का मेरे पास प्रोजेक्ट आया था जी, वो थी कंप्यूटर नए आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो कंप्यूटर इरा की सीडी बननी थी कि कैसे चलाया जाता है, सिखाने के लिए सीडीज बननी थी एनिमेशन। Okay. तो एक पार्टी आई, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, उसने 1,00,000 रुपया टेबल पे रखा कि आप बनाएंगे, मैंने कहा हाँ जी बनाऊंगा, 1,00,000 रुपया सामने पड़ा, मैं मना तो करूंगा नहीं, वो चला गया। बाद में मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि मेरे तो किसी खानदान को नहीं एनिमेशन आती, तो मैं करूंगा। तो लेकिन जब आप पकड़ लेते हो कोई काम हाथ में ले लेते हो तो फिर रस्ते भी खुलते हैं, फिर आप उसको करना तो है ही, फिर वो लोग मिलते हैं। इसी तरह बाहर की फिल्मों में जो लद्दाख में की या सिंगापुर में की या कहीं सीरीज की, एशियन टेल्स थी उसकी 13 एपिसोड की सीरीज थी बहुत बड़ी, तो वो आपको हो जाता है, आप करने लग पड़ते हो। आप कार चलाते हो ना, कोई आपको बोले कैसे चलाते हो, आप कभी नहीं बता पाओ, तो एक्चुअली गियर वियर पे ऑटोमेटिकली होता है, वो रवा हो जाता है जी। सबसे पहले मैं आप 2 मिनट लेना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े हैं आपके लिए, कौशिक जी यहाँ पे, प्लस स्नेहराज जी है, दिशा है, और क्रिएटिव पूनम, सॉरी नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, डीजे सानी है, अपने जो प्रेजेंटर है डीएसए बॉलीवुड चैनल, उन्होंने आपको ग्रेट वेलकम बोला है, आपको रिगार्ड्स दिया है, प्लस हाँ मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी आपको दिल से वेलकम किया है,
प्लस आप ही के पंजाब के बहुत बड़े सिंगर है जो हमारे ऑलरेडी मेहमान भी रह चुके हैं, हरलीन सिंह, उन वो भी जुड़े हुए हैं। प्लस सोचिए जिंदर हो पाजी, जिंदर हो सत्रे गौरी चरसिया, शी इज माय डॉटर, उन्होंने भी आपको हेलो अंकल बोला है, उनको सामने ही ले आओ ना है कहां। और प्लस मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज आल्सो मल्टीपल, बहुत सारे काम करती है, रिया चंद्रा, उन्होंने भी आपको रिगार्ड्स किया है, और ठाकुर जी है, बहुत सारे लोग हैं। सॉरी गाइस, आई मीन आई हैव टू बी अ कंटिन्यू विद सर बिकॉज़ हम लोग के पास एक पर्टिकुलर टाइम। आई रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने आपको सलूट किया है, हेलो कहा है, मुझे भी और आपको भी रिस्पेक्टेड सर। प्लस विवेक जी है, कन्वर जी है, श्री बैन 007, प्लस जफर जी आए हैं आपके लिए, जफर पीरजादा। देविका या शिव मैडाली, रिया चंद्रा, प्लस पीरजादा जी का आपके लिए बहुत सारा मैसेजेस है। ही इज सेइंग ही इज अ बिग फैन ऑफ यू हरविंदर जी। जफर जी का आपके लिए मैसेज है, ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। प्लस मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है, इज अ इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर रवि दीक्षित जी, उन्होंने भी आपको रिगार्ड्स किया है। प्लस हमारे जो सपोर्ट है अनिल काला जी, उन्होंने आपको वेलकम किया है, और रणवीर कुमार, उन्होंने आपको सलाम हुजूर बोला है। थोड़ा सा बॉस मुझे फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि हरविंदर जी से बहुत सारी बातें शेयर करनी है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, यू आर जॉइनिंग दिस टीवी विद तनिषा सिंह, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव यू गिविंग टू मी एंड माय रिस्पेक्टेड माय फ्रेंड्स। तो यह हरविंदर जी, शैल वी कंटिन्यू, हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सर आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, आपको आपको हॉलीवुड में आपने जो काम किया, आप कितनी ट्रैवलिंग होती थी, प्लस थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा हटके, एक जॉनर से हटके थोड़ा सा आपने काम किया, तो आपको उसमें अच्छी अच्छी मतलब उसमें क्या ऐसा लगा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताइए, या थोड़ा सा डिफिकल्टी वाले कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना। मैं सब सारा का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं इतने वर्ष हो गए आज तो मुंबई में भी करते हुए, और हॉलीवुड वो डायरेक्टर थे पेन नलिन साहब। अच्छा। इतना खूबसूरत, मैंने टाइम की पाबंदी का जो सीन वहां देखा, उनका एक कॉल टाइम रात को लग जाता था कि सुबह 7:30 बजे यूनिट लद्दाख जहाँ अपने शूटिंग का जगह है वहां जाएगी जी। नेक्स्ट 7:30 बजे सब गाड़ियां लग जाती थी, एक्टर्स लोग उसमें बैठ जाते, अगर आप 2 मिनट 5 मिनट लेट हैं तो उस दिन वो आपको लेके ही नहीं जाएंगे, पूरा यूनिट चला जाएगा, आप अकेले बैठे तो पूरे इंडस नदी के किनारे, पूरा एक होटल अपना बसाया था हम लोगों ने, तो उसमें टेंट के अंदर बहुत खूबसूरत था, और कम से कम 15 देशों के आर्टिस्ट थे उसके अंदर, चाइनीज और अलग अलग देशों के आर्टिस्ट थे उसके अंदर। सो तो वो एक दिन एक हीरोइन 5 मिनट सिर्फ लेट होगी वो बेचारी, क्योंकि उसको एक देसी हमारा पिल्ला मिला था, डॉगी का बच्चा मिला था, वो उसमें प्यार करने में, उसने कभी देखे नहीं होंगे इंडियन डॉगी ऐसे भी घूमते रहते हैं। वो उसमें उसको खेलने में व्यस्त हो गया, वो हीरोइन स्ट्रीट डॉग को घुमाने लगी, स्ट्रीट डॉग को उसने वो गले में रिबन विबन डाल के टीके वीके लगा के सजा के वो मस्ती कर रही थी, और पूरी यूनिट चली गई। उसके बाद वो सारा दिन रोती रही वो लड़की कि मेरे को लेके नहीं, वहां इतना सख्त सिस्टम है, और अगले दिन वो उसके बाद आधा घंटा पहले आके वो खड़ी होती थी, उसके बाद उसने वो गलती करी ही नहीं वो। और मैं आपको सबसे जो जुड़ी चीज बताऊं, ये 2000 सन की बात मैं बता रहा हूँ पीछे की, उस समय ये नहीं था आपके कि ये डिजिटल टीवी नहीं था कि आपको राह पे शूट होती थी फिल्म, रील जो राह होती है, पूरा वो शूट करते थे। हाँ जी, और फ्रांस जाती, और उसको लद्दाख का एक क्या मामला है, वहां अफीम की खेती होती है, और सिक्योरिटी बॉर्डर चाइना है, तो वहाँ बहुत सिक्योरिटी, आप कुछ भी ऐसे ही नहीं भेज सकते कहीं भी, हर चीज चेक होके जाती है। अच्छा, तो पहले भी ऐसे ही था? हाँ जी हाँ जी, तो गवर्नमेंट के कुछ शूटिंग पे बंदे होते थे, आपने शूट किया और वो राह जो रील है उसने सूटकेस में पैक की, उसको सील्ड लगाते थे, और वो फ्रांस चली जाती थी, 2 दिन के बाद फ्रांस में वो डेवलप होके वापस रील वापस आती थी, और फिर वो देखते थे हमने उस दिन शूट क्या किया था, और अगर वो शॉट खराब है या उसमें कुछ आ गया है, एक पूरा शॉट था उसके अंदर वो माइक जो होता है जो आप दूर से डंडे पे लेके जाते हैं उसका फर आ गया था, पूरा सीन द्वारा शूट किया उन्होंने। हमारे यहाँ होता तो वो तो चलने दो, और आजकल तो बहुत कुछ VFX हट जाता है, तब नहीं हटता था, तब जो आ गया वो हो गया। सोचिए कितना टफ है कि पूरी रील के हर 2 दिन की राह शूट, फ्रांस जाना,
फ्रांस में डेवेल्प होना, वहां से वापस आना, और आप ये हैरान रहेंगे कि ईशा आनंद जी, टीनू आनंद जी की बेटी प्रोडक्शन कंट्रोलर थी उस फिल्म। अच्छा। वो इतना बड़ा भाई बजट फिल्म थी और लाइट नहीं होती थी वहां पे लद्दाख में, आज का मुझे पता नहीं, जनरेटर पे सब कुछ होता था, लाइट और बिजली नहीं आती थी। सबसे ऊंचा जो वहां का वो पोस्ट ऑफिस है, मैंने वहां पृथ्वी टिकवाई जो कहा जाता है कि सबसे हाइट पे पोस्ट ऑफिस है जी। तो ये कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये याद रहती हैं जिंदगी में, क्योंकि आप, और सबसे इसका मेरे को फिल्म कैसे मिली अगर आप ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि मैं आराम से घर में बैठा था, मानसून फिल्म वालों का मुझे फोन आया कि दिल्ली में आप साउथ एक्स आइए, आपसे बात करनी है, कोई आप काम है हमें। उन्होंने, मैं चला गया, मुझे लगा कोई काम होगा, उन्होंने मुझे बताया ये ड्राइंग है, ऐसे हम स्टोरी बोर्ड है, इस फिल्म का आपको चलना है। मैंने कहा हमें, क्योंकि वो खास ड्राइंग थी, वो आगे से देखने में पिक्चर और नजर आनी चाहिए, जब लाइट पीछे जाती है तो आपकी हड्डियां दिखनी, तो हर कोई नहीं बना सकता। मैंने कहा मैं बना दूंगा, मैं इसको बना दूंगा। मेरे बोले आप लोग सुबह लद्दाख जाना है, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं, मेरे को चिंता लगी, मुझे लगा लद्दाख चाइना में होता है, तब मैं ये सोचता था मुझे लगा ये पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे, भैया किडनैप करके, मैं तो जानता भी नहीं लोगों को। सही बात। तो लेकिन घर आया, घर वाले बोले नहीं जाना भैया, चाइना वाइना कहीं नहीं जाना। मैंने कहा लेकिन हिम्मत करी, चलिए। पहली बार मैं प्लेन में भी तभी बैठा था, मुझे उससे पहले प्लेन में नहीं बैठा। ओके। वहां जाओ, अब मैं प्लेन में वहां जाके उतरा तो लद्दाख में, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम होती है, आपको 24 घंटे सिर्फ जाके सोना होता है, वरना आप बीमार हो जाओगे। तो मैंने, जब मैं गया तो मुझे कहा गया आप 24 घंटे यहाँ आराम कीजिए। मैंने बोला भाई मैं बस से थोड़ा आया हूँ, मैं तो प्लेन से आया हूँ, सुबह सुबह 1.5 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शौक है फोटोग्राफी का, मैं कैमरा लेके निकल गया, बस वो कैमरा लेके निकला हूँ। उसके बाद मैं 4 दिन तक सिर्फ उल्टियां करता रहा और बुखार चढ़ा। फिर पहली बार जिंदगी में पैरासिटामोल मैंने तब, समोसे मांगे थे, ले आई। सही बात है। आपके लिए एक सवाल है, सॉरी इंटरप्ट करिए। मायापुरी फिल्म मैगजीन और फिल्म फेयर अवार्ड के आपके कनेक्शन के बारे में बताइए, जफर जी का क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा है, मायापुरी फिल्म मैगजीन क्योंकि वो लोटपोट वालों की मैगजीन रही है और मैं लोटपोट में मोटो पतलू बनाता रहा हूँ, तो मेरा 40 साल का साथ है उनके साथ। अच्छा। तो मायापुरी मैगजीन के लिए भी मैंने बहुत काम किया है एक समय में। वाओ। फिल्म फेयर अवार्ड्स तो चलो एज ए स्क्रिप्ट राइटर बहुत सारी टीम जुड़ती है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। वो तो टीम चलती है, बस वही है कि कुछ चीजें ये होती हैं कि ये चीजें जिंदगी का हिस्सा होती हैं, अगर ये लोग नहीं होते हैं तो हम भी नहीं होते। मुझे जो सबसे पहला मौका दिया वो योगेश मित्तल नाम के थे, बहुत बड़े आज भी हैं वो, राइटर थे। मतलब मैं जब 11-12 साल का, तो पहला कार्टून वो आए थे मेरे घर के, ये लड़के में कुछ दम है, इसको कहीं ले चलते। सोचिए बहुत लोग मिलते हैं ना, इनकी बदौलत हम है, तुम्हारी कृपा से सजे हम, या वरना मुंह से गरीब करोड़ पड़े। ओए होए, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपका कोई ऐसा ड्रीम हीरोइन या हीरो रहा है जिसके साथ आप चाहते हैं कि मैं काम करूंगा ही करूंगा, और अब तक आपने के साथ तो मैंने किया है, तनिषा रह गई है, मैं सोचता हूँ कब मेरे को मौका मिलेगा। आई लव यू सर, सो स्वीट ऑफ यू। मैं भी चाहती हूँ काम करना, हम भी प्लान करते हो ही नहीं पाता, लास्ट टाइम में सोचा था, फिर वो प्रोजेक्ट ही आएगा। हम उसमें क्या नाम है आपको मालूम है, ब्राइट के अवार्ड में भी जब हम गए थे, मिले जी, थे जी। तो वो चीजें होंगी जब जी। समय आता है ना, वो हर चीज हो जाती है, वो देने वाला हमेशा अपना एक मियाद मुकर्रर की है, समय मुकर्रर किया, तो उसकी रजा में रहो ना, वो हसीन तरीके से करेगा। आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। आप इतने बड़े राइटर, कहा हॉलीवुड बॉलीवुड, कहा इतने सारी चीजें, हम कहा सिर्फ साउथ और बॉलीवुड में आके अटक गए। ऐसा नहीं कुछ नहीं छोटा होता। आप पता है, आप अपने अंदर की हमेशा याद रखो, सब पावर आपके अंदर है, आपके पूरी सृष्टि आपके अंदर होती है, आप सिर्फ, आप से अच्छा कोई, अगर आप इतने अच्छे नहीं होते तो हम शायद ये बात भी नहीं करते। मैं जानता हूँ आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि इंसान का रुतबा जी
प्रदीप दीप्ति जी, जय माता दी, जय माता दीप दीप्ति जी, वो एक उस पे भरोसा है जी, वो बहुत बहुत कारगर है। इसी बात पे हमारी एक दीप्ति, हमारी बहुत अच्छी मित्र है, उन्होंने कहा है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सर अभी आपका क्या है, आपको आपने बहुत सारे काम कर लिए, आपने अवार्ड कर लिए, तो फिर भी आपका कोई तो ड्रीम प्रोजेक्ट तो होगा ना, हर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट अब क्या बताऊं, प्रोजेक्ट मेरा यही है कि मैं चाहता हूं कि जो आखिरी सांस हो ना वो एक्शन कैमरा लाइट के बीच में। ओ सो टच, कितनी टचिंग वाली बातें की आपने, मतलब आपका पूरी जिंदगी आपने समर्पित कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, दैट्स इट। इसके अलावा आपको क्योंकि पता क्या निशा, हम सिर्फ मांगते हैं, हमने सिर्फ मांगना सीखा है, देना सीखा ही नहीं है जी। दुनिया दा हर बंदा मंगता, कोई माड़ा मंगता, कोई चंगा मंगता, कोई दूध मंगे, कोई पुत मंगे, कोई रिद्धियां सिद्धियां सुत मंगे, कोई हार मंगे, कोई प्यार मंगे, कोई गहने हार श्रृंगार मंगे, कोई नगदी कोई उधार मंगे, कोई डुबदी बेड़ी पार मंगे, कोई मत्था टेक रुपया दा मुल मंगदा रातो थइया दा, मंगण वाली सारी दुनिया देवन वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल वाओ। सर मैं सिंह, मांगना नहीं देना, सर मैं सिंह जरूर हूँ, बट बहुत लोगों को 90% लोगों को ये लगता है कि मैं पंजाबन हूँ, सरदार हूँ, बट मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। और सेकेंडरी बहुत एक अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन हुई थी गुरु नानक हाई स्कूल से हुई थी, तो थैंक्स टू दैट कि मुझे थोड़ा बहुत पंजाबी समझता, तो मैं आपका भी ये समझ गई। अच्छा आपके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है रेस्पेक्टेड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से। सर आई एम ट्रूली एंजॉयिंग लिसनिंग टू यू रिच एक्सपीरियंस एंड विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सिंप्लिसिटी एंड द ग्राउंडेड नेचर, वुड लव टू हियर यू मोर। देखो जमीन पे रहोगे ना, आप लोग चाहते हैं कि दोबारा सर से सुनना, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप सर जी को डीएम कीजिए और आप अपने लाइव सेशन में दोबारा सर जी को बुलाइए, और हो सकता है और भी काफी बातें। निशा आप बोलेंगे मैं एनी टाइम, आप किसी भी समय बुलाएंगे, क्योंकि अपने घर आने के लिए ना इजाजत चाहिए होती है ना समय होता है, अपना घर अपना ही होता है, तो आपका सो स्वीट सो स्वीट सो स्वीट। तो सर अभी आपका जो हॉलीवुड का एक्सपीरियंस रहा वो तो हमने सुना कमाल का था, आपको इतने सारे अवार्ड मिले, सब कुछ रहा। आप पंजाबियों का कुछ, आप पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने बहुत धमाल किया, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में आपने बनाई हैं, तो पंजाबी फिल्म की कौन सी फिल्म की आपने इक्का दुक्का नाम बताइए और आपका एक्सपीरियंस? पंजाबी की फिल्म ने की, मैं पंजाबी के शोज की है, टीवी शोज ज्यादा, तो उसका जरा बताइए। बहुत पंजाब है, हाँ जी, शुरू में जो मिस पंजाबन था, पीटीसी पंजाबी के बहुत सारे शो, अश्कारा चैनल पे आता था, दफ्तर कमाल था, फिर अभी हमने बहुत खूबसूरत किया था माँ बोली अवार्ड, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार किया गया अमृतसर में, अभी ये पिछले इसी जनवरी में, जिसमें सभी दिग्गज लोग योगराज सिंह जी, और ना जाने आपने देखा, वो जो दिग्गज जो एक छत के नीचे कभी इकट्ठे ही नहीं हुए, 50 सुपरस्टार एक छत के नीचे उस अवार्ड फंक्शन में आए, वो हमारा सौभाग्य था कि वो लोगों ने हमें इतना वक्त दिया, क्योंकि अपनी माँ बोली को समय देना, चाहे आप पंजाबी में हैं, चाहे हिंदी हैं, चाहे आप महाराष्ट्रियन हैं, लेकिन जो मदर टंग होती है उसकी रिस्पेक्ट और उसकी भावना की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई रुतबा हो नहीं सकता ना, जो माँ आपको सिखाती है वो, चाहे माँ तो माँ होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप फिर आपका जीना बेकार है, उस कौम का जीना बेकार है जहाँ औरत की इज्जत नहीं, उस देश का जीना बेकार है जहाँ औरतों को कुछ नहीं समझा जाता, तो वो फिर वो व्यर्थ है जी। देखिए ना अभी यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लोग कितना रिस्पेक्टली साड़ी चढ़ाते हैं, बहुत सारी मनोकामना मानते हैं, वही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में उसी चीज को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों की ऐसी सोच क्यों है। खैर हम यही कहेंगे ऊपर वाले से कि उन सबको, ऐसे लोगों को जिनका इस तरह से जो मेंटल लेवल है वो सबको बुद्धि दे ऊपर वाला, कि ताकि वो बच्चियां हो या बुढ़िया हो या मतलब औरतें हैं, जो भी, मैं एक फीमेल जात की बात कर रही हूँ,
फीमेल जात जो है वो मर्दों की रिस्पेक्ट करो, मर्द जो है फीमेल की रिस्पेक्ट करो। मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं कि मेल कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं मर्द को बहुत दर्द होता है, दर्द सबको होता है। जिस इंसान में थोड़ी सी भी रूह है, जिस इंसान में थोड़ी सी इमोशन है, उसे दर्द होता ही होता है। और जिसे दर्द नहीं होता वो इंसान ही क्या है, जो किसी के लिए आंसू नहीं बहाता वो इंसान ही क्या है। पड़ोसी के घर आग लगी और आप तमाशा देखें तो समझिए फिर अगला नंबर आप ही के घर का जब आपके लगेगी तो वो तमाशा देखें। हाँ बट आज की डेट में क्या कहते हैं, मेरे को पहले लोग कहते थे ना कलयुग, तो मैं समझ नहीं पाती थी ऐसे क्यों कहते हैं कलयुगे कलयुगे, मैं बोलती थी क्यों ऐसे कहते हैं कलयुग, बाद में समझ में आया वाकई में कलयुग। आज के डेट में बहुत चीजें ना अप एंड डाउन बहुत है, आज के डेट में ज्यादातर लोग ना हर इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचता है एंड विच इज वेरी बैड। जैसे अभी आपने कहा, आपने बहुत परफेक्ट बात बोली कि किसी के घर में हम तमाशा देख रहे हैं, वो कल को उस बंदे के घर में भी सेम चीज हो सकती है, तब उसके साथ कौन खड़ा होगा। तो ये तो बात बहुत ही अच्छी आपने बोली सर। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपका जानना चाहूंगी कि अभी आपने इतने सारे काम किए, अभी आपका फ्यूचर में अभी आपको कौन सा प्रोजेक्ट की आपकी प्लानिंग चल रही है, आप ऐसे ही कार्टून और भी नए भी कुछ क्रिएट कर रहे हो? हाँ जी, मेरा कार्टून एक आ रहा है, मेरा मोटू पल्लू के अलावा भी 2 साल से शेख चिल्ली डिस्कवरी किड्स चैनल पे आता है, शेख चिल्ली एंड फ्रेंड्स। और उसके अलावा मेरा एक अभी सबसे जो लेटेस्ट आने वाला है वो है आपका डिज्ने के ऊपर, हम बात हमारी लगभग पूरी हो गई है, हम इसको इसलिए डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियली नहीं आया है, बट वो अपने आप में सबसे अनोखा है क्योंकि वो आज तक ऐसा बच्चा और ऐसा करेक्टर नहीं देखा होगा आपने। अच्छा, डिज्ने पे आने वाला, वो भी हिंदी है? हिंदी उर्दू तेलुगु सब में ही होता है, आजकल तो सब में डब होता है। अच्छा अच्छा, अगर बच्चों की बात की जाए, क्योंकि बच्चों को अगर आपने खुश कर लिया ना तो समझिए आपने खुदा को पा लिया, आपको मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं, अगर आप बच्चे के चेहरे पे मुस्कान है। मैंने इसलिए तो आपको बोला ना, आपके आने से पहले ये तो अपने दोस्तों को बताया है, विनय का सब आते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत होते हैं, पर बहुत बड़ी बात होती है ऐसे कि जो बच्चों के लिए उनकी खुशी के लिए करते हैं और उनके लिए करते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं और आप उनमें से एक है। और ये मतलब अपने आप में आपने तो बहुत सारे पुण्य बटोर लिए हरविंदर जी। मैं तो देखो तनिका एक बात कहता हूँ, पूरी जिंदगी इश्क करो, अपने काम से इश्क करो, अपने फैमिली से इश्क करो, अपने खुदा से इश्क करो जी। बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी। क्या बात है, क्या बात है। और मैं एक और बात भी कहता हूँ, आज ये जो बॉडी शेमिंग मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग लोगों को रंग से पहचानते हैं, हाइट से पहचानते हैं लोग, उनका वैल्यूज उनके कपड़ों, बॉडी शेमिंग, हाँ, कलर के बात, एग्जैक्टली ये। लेकिन मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा कि सफेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। ओए होए, क्या बात है सर, मुझे तो लगता है ये सेशन बहुत कम पड़ेगा आपके लिए। सेशन तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। शेरो शायरी तो मेरे शौक है, करते ही रहते हैं, तो आप भी अगर सुनाएंगे तो सर बताइए ना कुछ, हम भी तो चाहेंगे, बहुत सारी बातें होती है वो तो होती रहेगी, आप कुछ बताइए हम सबको अच्छा तो लगे, वैसे लोग इतना डिस्टर्ब है आज के डेट में। नहीं नहीं, डिस्टर्ब तो होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, हमेशा पॉजिटिव रहो, जिंदगी पॉजिटिव मेरी सीरीज ही है, आप काहे को डिस्टर्ब होना, ये कोरोना वरोना ये चीजें आती रहती है, ये चीजें तो हमेशा रही है, ये ऐसा नहीं नाम बदलते रहते हैं, प्रॉब्लम कभी प्लेग आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी बम्बई में बारिश का पानी लेके डूब गया लोगों को। जब जब आप नेचर के साथ पंगा लोगे तो नेचर रिएक्ट वापस बहुत तेजी से कर, अपने ही करने का फल है। जफर जी ने भी कहा रिक्वेस्ट, उन्होंने भी कहा है कि बोल दो कुछ, दो चार बताइए कुछ तड़कता भड़कता कुछ मजेदार से शायरी आपके लिए, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती, आपकी एक मुस्कान पे कुर्बान सारे जहां की दौलत, क्योंकि इंसान अच्छा हो तो फिर कीमत नहीं। वाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी जी, और सुनाओ। हाँ, मोहब्बत को छोड़ के सर, किसको छोड़ के
तो वही है, मोटिवेटेड कुछ ऐसा जो थोड़ा मोटिवेटेड हो, ऐसा कुछ मोटिवेटेड क्या सुनना चाहेंगे? मोटिवेटेड तो यही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बात की जा सकती है आपको, मोटिवेटेड ये है कि जो आज की यंग पीढ़ी को मैसेज दे सकते हैं हम पंजाबी पंजाबी विच ही कुछ में। सुनाइए। अच्छा हाँ पंजाबी में, अपने आप गवाच गया मैं खुद गर्जी दिया गलियां, अपने आप गवाच गया मैं खुद गर्जी दिया गलियां, हर थां फिरदा झग्गा अड़दी अड़दा फिरदा तनिया, हर भांडे विच मुंह मारन दी आदत सिख गया बंदा, अजकल बंदे नालों कुत्ता 100 दर्जे है चंगा, एक बुरकी लई पूंछ हिलाए मालक दे लई प्यार जिताए, जिथे कुकर पैरा देवे उथे बुरी बला ना आए, मालक दा कर मूल ना छड़े जिसका खावे तोड़ निभावे, कुकर तो मर जाने या बंदिया सिख ले सबक तो बदला, बोल फकीर अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोलो वाह, पढ़ा। फिफ्टी इसका अर्थ समझा, बता फिफ्टी देता ऊपर हूँ से गया, फिफ्टी समझा, फिफ्टी ऊपर से मैं गया। बता देता हूँ आपको कि आज की, वो कह रहा है कि आपको इंसान से अच्छा आज की जो कुत्ता है, जो कम से कम हाँ जिसकी रोटी खाता है निभाता तो है ना, वफादारी तो जी, निभाता सही है कम बात से है, कम, तो सही बात है। ये शेर का तात्पर्य था जी। कुत्ता तो वाकई में मुझे इसलिए, जैसे हम लोग कभी मस्ती में भी बात करते हैं ना, और ऐसा कभी ऐसा गुस्सा हो जाता है ऐसे, अब कुत्ता साला चुप हो जा, मैं बोलती कुत्ते को गाली मत देना, कुत्ते को गाली मत देना, कुत्ता सबसे वफादार, उसको आप एक रोटी भी दो और अगर आप 4 दिन उसको ले दो, फिर भी वो आपके लिए वफादारी करेगा, फिर भी वो देखिए आपके लिए एक टांग पे खड़ा रहेगा। सबसे बिगड़ा हुआ जानवर ना इंसान है। सही बात आपने है, कभी किसी को सुना है कुत्ते को कहते हुए कि कुत्ते को कुत्ता भी आए, कुत्ता बन, लेकिन हर आदमी इंसान को बोलता है इंसान बन भाई, इंसान को नहीं बनता, सही किसी जानवर को बात नहीं है, सुना आप अपने ऐसी बात करते हैं कि तू भैंस बन तू गाय बन, क्योंकि हम लोग अपने पाथ से निकले हुए, हम लोग सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानते हैं बनाना नहीं जी, जानते, तोड़ना क्योंकि हमें हम बहुत अच्छा है। जी, सर आज की डेट में तो यार ये बहुत ज्यादा ही कॉमन हो गया है, एक तो तोड़ना, प्लस लोग एक दूसरे को ओवरटेक बहुत करते हैं आज तो के युग में, बस वो नहीं आज के युग होना में सबकी चाहिए ना, ओवरटेक बहुत करते हैं एक सबकी दूसरे को। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो हर इंसान। क्या बात है, तुसी दिल ले लिया, आगे क्या बोलेंगे पंजाबी में? पंजाबी का एक और भी इसके ऊपर है, पर आपको समझ आए ना, मैं इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। सर इसलिए तो बोला 50% समझते हैं, बिकॉज थैंक्स टू मेरा स्कूल आपके भी मैंने। व्यूअर्स में कोई पंजाबी अगर कोई हो तो उसको समझ में आ सकता है इसी बात पे, कि अगर आपको ये समझ में आए कि मंदिर बेशक होवे लखां दा बनया, हाँ मंदिर बेशक होवे लखां दा बनया, लाखों का बना। मुसलमान कभी नहीं जाता, मस्जिद हो बेशक मोतियों जड़ी, दूसरे मजहब का नहीं जी जाता, इससे अच्छा था मैं खाना बना देता जिसका जी करता आके पी जाता। क्या बात है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। मेरा याद है जब ये बाबरी मस्जिद के ऊपर डिबेट हुआ था, मुझे बुलाया था, तो मैंने डिबेट में बहुत लोग हंसे भी थे, तो आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है? मैं कहा देखो मैं सच्ची बताऊं मेरा क्या विचार है। हाँ तनीषा जी बोलिए बोलिए। लोग बहुत गंभीर हो गए, लोगों को लगा कि मैं शायद बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा कोई सिचुएशन में ऐसा कोई मैं उनको सजेशन दूंगी। मैं कहा सबसे बेस्ट बोलू, वो बाबरी मस्जिद छोड़ो, मंदिर छोड़ो, बेस्ट है साला वहां पे ना कोई क्लब शलब बना लो, पूरी दुनिया एंजॉय करेगी। क्या यार आप अरे कुछ भी बोलते हो। मैंने कहा हाँ, हिंदू हिंदू बोलता है मेरा मंदिर है ये है, तो हम होते को नहीं डिसाइड करने वाले, जो डिसाइड करना वो खुद करेंगे। मेरे से मेरा विचार पूछा तो मैं तो ये कहूंगी भैया बेस्ट है क्लब बना लो, सब एंजॉय करो, कहते ना हमको व्हाट यू कॉल, जी ले अपनी जिंदगी। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमको उस क्रिएटर ने बनाया, जी मंदिर मस्जिद हमने बनाया, एग्जैक्टली हम उस बिल्डिंग को टूटने और ना टूटने पे उसकी क्रिएशन को मार देते हैं, उनके गले काट देते हैं, सही उनको बात है, जला सही देते बात है, हैं। ये चीजें ऐसा नहीं बुरी है, ये चीजें असल में हमें ये समझाने के लिए एक पाठशाला की तरह बनी है कि यहाँ अगर आइए इस तरह से आप भजन करिए सिमरन करिए या पाठ करिए तो आपको ईश्वर मिलता है, होमवर्क तो हमको घर जाके ही करना हंड्रेड पड़ेगा, परसेंट ट्रू, मेहनत हंड्रेड हमको घर परसेंट जाके ही करनी पड़ेगी, स्कूल की तरह है ये, विद्यालय की तरह है, लेकिन सही बात है, हम लोगों ने उसको वो इश्यू बना लेते हैं, पर ठीक है जो जिसकी सोच है जैसी जिसकी सोच है, अब हम इस बातचीत में क्या बात करें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी बातें कर जी। इस मामले में इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है,
किसी को कोई जात से कोई मतलब नहीं, कौन अपर है कौन डाउन है, कौन राजपूत है कौन पंडित है, किसी से कोई वास्ता नहीं। वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब एक दूसरे के साथ बैठते खाते पीते एंजॉय करते। इस मामले में मुझे इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे कोई लेना देना नहीं किसी को किसी की कास्ट से। बहुत सारे ऐसे वॉर हो जाते हैं, बहुत चीजें ऐसे हो जाती है। आप देखो हम सब फिर भी मिलजुल के रहते हैं, मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड है, स्टिल हम पूछते हो और कैसे हो क्या हो, एक दूसरे के लिए रिगार्ड्स रखते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और केयर होना चाहिए, वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जात है, वही इंसानियत है। क्योंकि एक इंसान ही है जो इंसान के काम आता है, पेड़ चल के नहीं आएंगे, और जानवरों की हम भाषा नहीं समझते, काम एक दूसरे के हम ही ने आना है। अगर हम ही ने काम आना है तो हमें हर एक की सेवा करनी चाहिए, उसके दुख सुख में जाना चाहिए। आप कोई भी हो, आपको जान है अनजान है, आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, बहुत फल मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। एक बात बताऊं, आपके बैंकों में हो सकता है लाखों रुपए हो, मेरे बैंकों में हो सकता है हजारों रुपए हो, किसी के भी पैसे हो, लेकिन दुआओं का बैंक सबका खाली है। क्योंकि हम ना तो किसी की रिगार्ड करते हैं, दुआ आशीर्वाद मिलता ही नहीं आजकल, ना बच्चे पैर को हाथ नहीं लगाते, कोई किसी का रिगार्ड ही नहीं करता, इसलिए ना बड़ों से आशीर्वाद निकलता है। वो दुआएं जो सबसे कीमती है वो हम होते जा रहे हैं। मैं लगाती हूँ, मैं तो मेरे बर्थडे पे हो, आप लगाते हो तो आपके बैंक में बहुत दुआएं हैं, तो इसकी वजह से आप यहाँ पोजीशन पे बैठे। मेरा जन्मदिन होता है, मैं सबसे पहले मेरी माँ, कैसा भी हो, अगर मेरे फाइट भी हो जाती है तो मैं सबसे पहले मेरे मॉम का फीट टच करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, फिर बर्थडे के दिन मंदिर जाके दर्शन करती हूँ। मैं तो आज भी करती हूँ, मीन्स रिगार्ड है। आप बड़ों का रिगार्ड करोगे तो दुआ निकलती है, और दुआ बहुत काम आती है, दवा से ज्यादा बेटर दुआ काम। ये बात तो है, दवा से कभी कभी डॉक्टर भी कहता है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। सर आपसे ये चीज और पूछनी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपकी एक्सपीरियंस ले ली, हमारे पास अभी 5 मिनट रह गया है। आपका सबसे वर्स्ट टाइम क्या था, वर्स्ट क्या था, जैसे आपके बहुत अच्छे आपके अपॉर्चुनिटी थे, आपने बहुत अच्छे काम किया, आपका कोई तो ऐसा होगा बैड एक्सपीरियंस होगा जिसको आप अभी भी कोसते होगे, ऐसा नहीं है कुछ? नहीं, मैं बुरा सोचता ही नहीं, मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहो, अगर कोई बुरा कर गया तो वो उसका भुगतान तो उसी को करना होगा ना, अगर कोई गलत काम करेगा तो भुगतान वो करेगा, हमें इस बात से करते हैं लोग अपनी तरफ से कोशिश आपकी बहुत बुरा करने की करते हैं, लेकिन जितने जितनी वो कोशिश करते हैं उतने उतने हम परवान चढ़ते हैं, क्योंकि उनका फोकस हमारा बुरा करने पे होता है, हमारा फोकस अपने काम पे होता है। सही बात, आप अपने काम पे फोकस रखो, अपने टारगेट पे फोकस रखो, कोई ताकत आपको हटा ही नहीं सकती। याद रखिए आपके अंदर बहुत पावर है, आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक इच्छा शक्ति और ताकत होनी चाहिए। डरना नहीं किसी सिवाय खुदा के, किसी से ना डरो, किसी की चमचागिरी झुको नहीं, आपको कोई काम नहीं आएगा, काम सिर्फ 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 आपका वो ईश्वर आएगा जिसने आपको बनाया, आपका मुर्शिद आएगा, आपका भगवान आएगा, गुरु आएगा। तो अपने गुरु पे जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखो, और अपने आगे बढ़ो, काम को पकड़ो। मैंने पहले कहा जो काम आता है वो तो आप करते हो, जो नहीं आता वो डेफिनेटली करो। ये अच्छा डायलॉग है, वैसे अक्षय कुमार यूज करते हैं। सर जाते जाते आप अपकमिंग आर्टिस्ट जो आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग। हाँ नहीं, बहुत अच्छी, बहुत शानदार सवाल आपने किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पहचान बनाओ, आमिर मत बनो, शाहरुख मत बनो, सलमान मत बनो, कोई आर्टिस्ट आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी कार्बन कॉपी मत बनो, अपनी पहचान बनो। तनिषा तनिषा बननी चाहिए, तनिषा हेमा मालिनी नहीं बननी चाहिए, तनिषा कटरीना कैफ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू ओरिजिनल पेपर्स की होती है, कार्बन कॉपी और फोटोस्टेट कभी वैल्यूज में नहीं आते, वो सिर्फ दिखाने के काम आते हैं। तो बी ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये अगर इंडस्ट्री में आए हो, चलो इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सोच के आइए कि ये एक जॉब है, हो गया तो बेटर, नहीं हो गया तो बेटर। ऐसा ना हो कि आप इसको मरने जीने का संबंध बना के आ जाए, और फिर आप कल सफल नहीं होते तो फिर आप अपने सुसाइड की तरफ बढ़ जाएंगे या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। नहीं, फेलियर होना बहुत जरूरी है, माना जिंदगी में प्यार जरूरी है, माना हार श्रृंगार जरूरी है, मगर एक बड़ी जीत से पहले मेरे दोस्त एक छोटी सी हार जरूरी है, जो हमें औकात है सर, हारना सीखो। बच्चों में हारना नहीं है, हमने बच्चे को फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ बचपन से उसको यहाँ चढ़ा रखा, प्रेशर कर देते हैं,
बच्चे को हार जीत से कोई फर्क नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप होनी थी। अगर फिल्म मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो खत्म थोड़ा हो जाओगे। ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी इनका हिस्सा बनाओगे तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फिर मायूस हो गए। खुल के आओ, हो गया हो गया, नहीं तो जाबाज बनो, वो 50 लाइने घुस जाओगे, जिंदगी थोड़ा खत्म हो जाती है कि अगर फिल्म स्टार नहीं बनो तो जिंदगी नहीं। जी सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और सब लोग को बहुत सारी चीजें बताई, और मुझे नहीं लगता किसी का कोई भी सवाल आपके लिए पेंडिंग होगा, क्योंकि आपने सवाल से कई ज्यादा जवाब दे दिया। मेरा सौभाग्य है, और तनिषा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आज आपके रूबरू बैठा हूँ। बहुत तमन्नाएं होती हैं, बहुत शख्स होते हैं, पर परिवार के बंदे बहुत कम मिलते हैं। जो आपके अंदर हो रहा है, एक फैमिली रो रहा है, मुझे ये लगता है मेरे घर का कोई बंदा सामने बैठा है। और मैं ये नहीं ठोक, मैं सिर्फ चाय के कप नहीं, मैं चाय का कप फिर दिखा देता हूँ, है भी खाली लेकिन मैंने इसको चाय का सिर्फ कप बनाया था, क्योंकि एलजी पे मेरी फोटो भी है इस कप के अंदर, जो सबसे बड़ी बात है। तो वो मैंने कहा चलिए ये मैं हल्का फुल्का इसको एंड कर रहा हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा चाय पे बुलाते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टीवी तनिषा सिंह में आने के लिए। हमारी तरफ से, हमारे स्पॉन्सर, हमारे प्रेजेंटर सबके तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर जी, उन सबका भी बहुत धन्यवाद। जी जी, दोबारा मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। चलिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सो आई होप यू एंजॉय द शो, थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी अभी 3 मिनट रह गए, कट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीवी तनिषा सिंह, थैंक यू सो मच DSA बॉलीवुड चैनल द पिकानी, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू।